आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। हमारा एक खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्वाभिमान। मध्य प्रदेश में एक योजना लगातार चल रही है, इसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हजारों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, कई महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो महिलाएं इस 1000 रूपए प्रति महीना से राशन खरीद रही है, तो कोई गैस की टंकी भरवा रही है, तो कई मूलभूत सुविधाओं का उपयोग कर रही है। तो आइए हम बात करते हैं, आज हम खड़े हैं बीजलपुर में और बीजलपुर की महिलाओं से पूछते हैं कि उन्होंने उस 1000 रूपए का क्या किया और उन्हें कैसा लग रहा है। तो आइए सीधे बात करते हैं। आपको 1000 रूपए? हाँ, मिल रहा है, टंकी भरवाए कि धन्यवाद, गैस की टंकी भरवाई, राशन खरीदा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद। हाँ, मिले ना, मैंने भी राशन भरा, मामा जी को धन्यवाद, मैंने घर का राशन खरीदा, मामा जी को धन्यवाद। गैस की टंकी भरवाई, बहुत अच्छा लगा, मामा जी ने इतनी सुविधा करी, उसके लिए धन्यवाद मामा जी। हम भी घर में राशन पानी लाए, बच्चे कपड़े लत्ते लाए, बहुत सुविधा मिली हमको, मामा जी को धन्यवाद। हमारे साथ बीजलपुर के क्षेत्रीय पार्षद ओपी राय जी हैं। लाडली बहना योजना को लेकर के आप क्या कहेंगे और कितने महिलाओं को आपने इस योजना का लाभ दिया? देखिए, लाडली बहना योजना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की बहनों को एक बड़ी सौगात है। मेरे वार्ड में अभी 3181 महिलाओं को हम लाडली बहना का लाभ दे चुके हैं और 21 वर्ष से अधिक जो अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है, और उसमें भी कुछ महिलाएं कई कारण से समग्र आईडी नहीं होने से या आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से छूट गए थे। 25 तारीख से 20 अगस्त तक हम लगभग सारी बहनों को इसका लाभ दिलाएंगे और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे वार्ड में 3181 लाडली बहना हो चुकी है और 25 से और बढ़ने वाली है।